हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दक्षता परीक्षा को लेकर 1300 आवेदन आए थे, जिसमें से 630 आवेदन जो है रद्द हो गए। साथ ही SCERT ने 140 आवेदन को ही सही माना है। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वितीय प्रारंभिक शिक्षक दक्षता परीक्षा 2023 में अब तक 1300 शिक्षकों ने आवेदन भरा था, जिसमें से 630 आवेदन को संबंधित जिलों के DO ने रद्द कर दिया। तो 630 आवेदन को DO ने रद्द कर दिया। वही शेष जो 530 आवेदन बचा है, जब उसकी समीक्षा की गई तो उसमें पता चला कि ऐसे शिक्षकों ने आवेदन किया है जो जून में जो दक्षता परीक्षा आयोजित हुई थी उस परीक्षा में शामिल हो चुके थे। वही जो है कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो चौथी बार दक्षता परीक्षा में आवेदन भर दिए, जबकि दक्षता परीक्षा में 3 ही बार आवेदन भरना है। जबकि SCERT के अनुसार एक शिक्षक अधिक से अधिक 3 बार ही दक्षता परीक्षा दे सकते हैं। SCERT के अनुसार मात्र 140 शिक्षकों का ही आवेदन सही है, और जितने शिक्षक आवेदन भरे हैं उसमें से मात्र 140 शिक्षकों का ही आवेदन जो है SCERT सही मान रहा है। बता दें कि राज्य भर में 3000 शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होना है, इसमें मात्र 1300 शिक्षकों ने ही आवेदन किया था। 3000 को शामिल होना है, 3000 शिक्षक हैं, उसमें से 1300 ने आवेदन किया। जितने शिक्षकों ने आवेदन किया उसमें से ज़्यादातर आवेदन जो है उसको रद्द कर दिया गया। अब फिर से आवेदन की तिथि जारी की जाएगी, इसके बाद परीक्षा की तिथि जारी की जाएगी। बता दें कि अभी दक्षता परीक्षा 24 सितंबर को होनी थी, लेकिन आवेदन कम आने के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। तो 3000 में से मात्र 1300 ही आवेदन आया, उसमें से भी सभी का रद्द कर दिया गया और मात्र 140 आवेदन को ही SCERT ने सही माना है। तो अब दोबारा जो है आवेदन करने की तिथि जारी की जाएगी और फिर जो है परीक्षा होगी। फिलहाल परीक्षा को इसी वजह से स्थगित कर दिया गया। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।